దీని ఇస్ సైలెంట్ గా చాలా 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 లేం బాలని మా నాన్న చాలా చాలా దీని వెయిట్ లో వచ్చి సార్ ఆన్లైన్ చాలు ఖరీదో तो सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आपको कल आपने एग्रीकल्चर का पेपर सोल्व करवाया, तो आज अपन हॉर्टिकल्चर की जो आंसर की है आई होप कि वो सोल्व करवा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी क्यूरीज आ रहे थे कि सर हॉर्टिकल्चर की आंसर की, हॉर्टिकल्चर की आंसर की, तो अपन आज हॉर्टिकल्चर की आंसर की लेके आए हैं आपके सबके सामने। सबसे पहले पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले आपको हॉर्टिकल्चर की आंसर की, हमारे जितने भी टीम है सब ने एकदम पूरे फोकस्ड होकर दिन भर की मेहनत के बाद में आपके हॉर्टिकल्चर के आंसर की तैयार की है। आंसर की सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई है, अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम अभी फिक्स किया है कि 21 तारीख को है, तो उसके भी अपने बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो उसकी आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन का। उससे पहले अपन आज चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखो जो आपका हॉर्टिकल्चर का जो पेपर का हमने निष्कर्ष निकाला है, पेपर थोड़ा सा टफ आया था इसके अंदर, जिसमें आपको ब्रीडिंग और एग्रोनॉमी के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये पार्ट जितना उतना बात किया था, हॉर्टिकल्चर का थोड़ा इसमें लेवल कम था। तो अपन चलते हैं आंसर की तरफ। पहले लिंक को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं उन सब के पास में अपना ये वीडियो पहुंच सके। तो सभी बच्चे अपने जितने भी डाउट है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमें भी उनके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो बच्चों को आई थिंक वो नहीं मिलेंगे, टीचर्स ने सभी ने मेहनत की है। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने ओल्टिका एग्जाम दिया, सभी के पास में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसकी आपकी जिम्मेदारी है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले शेयर कीजिए, उसके बाद में अपन शुरू करते हैं क्लास में आंसर की। हो सकता है आपकी जो इसके अंदर जो पेपर का सेट है वो अलग हो सकता है, अपना जो पेपर का सेट है उसके अंदर जो क्वेश्चन आया था कि तो डेवलपमेंट ऑफ डिस्ग्रेबल ऑड्यूर एंड फ्लेवर इन फेट एंड ऑयल कॉजिंग स्पॉइलेज इज नॉन एज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने देखा होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर रेंसिडिटी इसका आंसर जाएगा। तो ये जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह के अंदर भी आपने देखा होगा जो ऑड्यूर आती है, वो जो वहां से भी आप रिलेट करके अगर आप उस क्वेश्चन को करते तो भी आपका क्वेश्चन सही जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओविपोजिस्टर इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ, इसमें आपको ऑप्शन थे 6 to 7 एब्डोमल स्टेज, 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10। तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो आपका रहेगा 8 to 9 एब्डोमल सेगमेंट। तो पहले का रेंसिडिटी है और दूसरे का है वो आपका थर्ड 8 to 9 एब्डोमल सेगमेंट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट ऑर्डर पूछा था एनिमल किंगडम का, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा आपका कॉलियोप्टेरा, ये इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान से पढ़ा होगा, द मटेरियल यूज ऑफ बेकिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल ए आर ड्राई ग्रासेस पेडी स्ट्रॉ लीव्स सार्डस्ट पेपर साइड थर्माकोल फोम नेट्स बर्ड नेट्स इज कोल्ड, ये आपको पूछा गया था कि जो पैकिंग आती है, पैकिंग के अंदर जो मटेरियल अपन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इसको अंदर कोहनिंग ये है सेकंड वाला, ये आपका राइट आंसर जाएगा इसके अंदर। रैपिंग अलग होता है, दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकते हो, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये आपका राइट जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन विच प्लांटेशन क्रॉप, देखो आपको जो कोयर है ये मोस्टली आपने यूज करते हैं टॉय वगैरह जो बनते हैं, कोकोनट कोयर है वो बहुत ज्यादा आपका यूज में आता है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा कोकोनट। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन लीप वायरस, जो ग्रेप वाइन फेन लीप वायरस है वो किससे ट्रांसमिट होता है, तो आपके सामने चार थे, इसमें जो राइट आंसर जाएगा आपका वो जाएगा जिफिनेमा इंडेक्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एंटोले सर ने आपको पढ़ाया होगा। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है ये आपका फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि हार्डविकिया बिपिनाटा इज मल्टी पर्पज ट्री, ये आपका मल्टीपर्पज ट्री है वो इसका एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या क्या यूजफुल है, तो इसमें जो ऑप्शन थे आपके फोडर फूड एंड फ्यूल, फोडर फ्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड टिम्बर, नेक्स्ट था फ्यूल टिम्बर एंड सोइल
एमिलोरेशन एंड प्रोटेक्शन, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका रहेगा फोडर फ्यूल और नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखिएगा जो हार्डविकिया बिम्पिनाटा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इसका टिम्बर भी यूज में आता है, फोडर भी यूज में आता है और फ्यूल भी यूज में लेते हैं। तो ये आपके ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका फ्लोरिकल्चर में से पूछा गया है कि इनमें से आपको लिलीज की चार वेराइटीज दी थी, स्पीसीज दी थी, इनमें से पूछा गया था कि स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कौन से लिली का होता है। इसमें आपको टाइगर, ट्रम्पलेट, ट्रक केप और ओरिएंटल दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ओरिएंटल लिलीज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स में से है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्टेड विथ, कि एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। देखिए तो इसमें थे डिस्कवर, मैनेजमेंट या इवोल्यूशन या नन ऑफ दीज। देखो इसमें आप अगर बात करते तो इन दो में कन्फ्यूजनिंग पैटर्न चल रहा था कि इनमें से कौन सा माना जाएगा। देखिए तो डिस्कवर ये आइडियल है, तो आई होप हमारी तरफ से आपको डिस्कवर आंसर दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपको इसमें से आंसर की में चेंजेस मिल सकते हैं, बाकी जो अभी तक है वो डिस्कवर इसका अपनी तरफ से इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट है सोडिक सोइल और सोलंटेज इज कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज ESP, आपको वैल्यू पुटअप किया था इसमें से आपको पूछा था ना, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिले थे EC लेस देन 4 डेसिमल पर मीटर स्क्वायर एंड ESP जो था आपका वो मोर देन 15, ये आपका सेकंड वाला इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था और ये आपके टेम्परेट फ्रूट क्रॉप होती है कीवी, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से ये वेराइटीज है चारों एलिसन, टोमरी, एबॉट एंड हार्वर्ड, इनमें से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी कल्टीवार पिस्टिलेट कल्टीवार है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो एलिसन, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका एलिसन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है कि हीट लेवल कंपाउंड आर स्टलाइज थ्रू, इसमें से जो हीट लेवल कंपाउंड है वो किससे स्टलाइज करते हैं, ये आपको ऑप्शन थे, इनमें आपका था फिल्टर स्टलाइजेशन, ऑटोक्लो, ओवन एंड इनकिनेटर, ये आपके ऑप्शन थे। इनके अंदर जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑटोक्लेव, ये आपका राइट आंसर सेकंड इसका आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेप में प्रूनिंग टाइम पूछा था आपको साउथ इंडिया में, देखो नॉर्थ इंडिया में प्रूनिंग टाइम एक बार होता है जबकि साउथ इंडिया में प्रूनिंग है बैकवर्ड प्रूनिंग और फॉरवर्ड प्रूनिंग दो बार करते हैं, एक तो अपन अप्रैल में करते हैं बैकवर्ड वाली और फॉरवर्ड वाली करते हैं अपन अक्टूबर के अंदर, तो इसका सेकंड एंड थर्ड दोनों राइट आंसर यहां पे माने गए हैं, तो इसका जो आंसर जाएगा वो बोथ ए सॉरी सेकंड एंड थर्ड दोनों राइट आंसर जाएंगे इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पेप्टिडोग्लाइसेन इज कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल वॉल, इसमें आपको ऑप्शन आया था ग्राम प्लस बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एस्परजिलियम, तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा आपका वो रहेगा आपका ग्राम एंड बैक्टीरिया, पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आपका एक थिन लाइन थी इसके अंदर आपको समझने के अंदर, क्वेश्चन ये था कि इट इज द स्टेज पूछी गई थी आपसे डेवलपमेंट लीडिंग द अटेंड ऑफ फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी एंड हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी कॉल्ड, देखो इसके अंदर दोनों टर्म डाली गई है आपको फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी एंड हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी। देखो फिजियोलॉजिकल में फ्रूट राइप हो जाता है लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट राइप नहीं होता कभी भी, इसमें अपन टेंडर हार्वेस्ट कर सकते हैं तो राइपनिंग नहीं जाएगा इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ग्रीन की जो टीम के अनुसार इसमें जो जाएगा वो मेच्योरेशन इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका मेच्योरेशन इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन और ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था कि मेल स्टिलिटी पूछा गया है कि किस क्रॉप में प्रेजेंट होती है, तो आप सबको पता है कि मेरीगोल्ड के अंदर मेल स्टिलिटी सीड प्रोडक्शन के लिए हाईली रिकमेंडेड है, तो ये तो आई होप सबका सही हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विच फ्रूट क्रॉप रिक्वायर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग फ्रेमवर्क, तो आपको पता है कि जितने भी वाइन क्रॉप होती है उस सभी के अंदर अपने को फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है, तो ग्रेप तो सबको पता था, तो जैसे कीवी फ्रूट और पैशन फ्रूट इनके अंदर भी फ्रेमवर्क किया जाता है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर माना गया है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट भी इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसमें एबायोटिक फैक्टर आपको बताना है, द इकोसिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें पहला था क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, विंड, वाटर, रेनफॉल एंड एक्सेट्रा। दूसरा था फिजिकल करेक्टरिस्टिक आपको थे, फैक्टर थे लाइट था, फाइबर था, प्रेशर था और जियोमेट्रिक था एंड एक्स्ट्रा। इसके अलावा आपको केमिकल फैक्टर था एसिडिटी, सेलिनिटी, अवेलेबल ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाई प्लांट। तो इसके अंदर आपका चारों ही आपके जो फैक्टर है वो सारे के सारे कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर है। तो इसका फोर्थ आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी हेक्टेयर ऑफ वीट क्रॉप कैन बी इरिगेटेड बाई ए पर्सन वही हैविंग ए डिस्चार्ज 11,000 लीटर पर आवर। यहाँ पे आपको देखना है 11,000 दे रखा है एंड डेप्थ ऑफ द इरिगेशन इज 5 सेंटीमीटर एंड द इरिगेशन इंटरवेल इज द 5 डेज इंटरवेल है। तो आपको द पर्सन व्हील इज वर्कड 10 ओवर ईच डे। तो आपको पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 3.3 हेक्टेयर इसका फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर किया, जिसने ये किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सीक्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, प्राइस मैकेनिज्म, इसकी एफिशिएंस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस रिडक्शन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका रहेगा प्राइस मैकेनिज्म इज द राइट आंसर। इसमें आपको पूछा गया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सीक्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ, तो इसका सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, न्यूट्रिएंट पूछा गया था कि विच न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर द मोस्ट फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो आप सबको पता है पोटेशियम आपका हाईली रिकमेंडेड होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट के लिए। और ये देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड रस्ट ऑफ मैंगो कॉज बाई एल्गी, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ से आपका फ्रूट में डिजीज में से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एपोमिक्सिस का टाइप पूछा गया था, जितनी भी मेलस की स्पीसीज होती है उसके अंदर आपको जितने भी एप्पल की स्पीसीज होती है, यहाँ से इनका मतलब था एप्पल की जो स्पीसीज होती है कि इनमें कौन सा एपोमिक्सिस था, रिकरेंट होगा, नॉन रिकरेंट होगा, एडवेंटिस होगा या बल्बिस होगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था बच्चों के बीच में, तो इसका राइट आंसर रिकरेंट, ये एकदम राइट आंसर है 100% श्योरिटी के साथ में कि इसका आंसर जाएगा आपका वो रिकरेंट एपोमिक्सिस इसका राइट आंसर माना जाएगा। ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा गया था, जैसे मेल आपको पता है डेट पाम डायोसिस होता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सी वैरायटी है जो अपन मेल पोलेंटर के लिए लगाते हैं, तो गनामी जो है ये अपन मोस्टली लगाते हैं, वो एकदम मेल फ्लावर के लिए रिकमेंडेड होती है वैरायटी। नेक्स्ट था ए प्रोटेक्टिव एडाइबल कोट ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल विच प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम ट्रांसपिरेशन लॉसेज एंड रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पायरेशन रेट। मैंने आपको बताया था कि आजकल जो अपन एप्पल वगैरह पे वैक्स कोटिंग देखते हैं वो एडाइबल वैक्स कोटिंग आती है, और जो वैक्स करते हैं अपन इनके ऊपर वो वैक्स क्या काम करती है, इनमें जो रेस्पायरेशन और जो ट्रांसपायरेशन है उसकी जो रेट है लॉसेज को कम करती है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो वैक्सिंग जाएगा इसका, ये बिल्कुल ही जिस थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि स्पाइनल बग किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पाइनल बग है वो किसका, एरिका नट, कार्डेमोम, कोकोवा या कैसनट। तो जो सुपारी होती है एरिका कटेचू एरिका नट, इसका बिल्कुल राइट आंसर था ये स्पाइनल बग होता है। जो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत बार पूछा गया है कि आयरिस फेमाइन जो आया था 1845 के अंदर उसमें कौन सी डिजीज आपकी रिस्पॉन्सिबल थी, तो लेट ब्लाइट जो पोटेटो में था ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल था आयरिस फेमाइन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है चिली का, आपको यहाँ पे थ्रिप्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अंदर जो थ्रिप्स का आपको साइंटिफिक नेम बताना था, तो इसका था साइकेटोफ थ्रिप्स डोर्सेलिस, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर फोर वाला राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग सो मॉडरेट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए यहाँ पे हाई का भी ऑप्शन में दिया गया, जैसे कुकरबिट्स है, सॉरी कैरेट ऑनियन, तो हाई में जाएगा, लेकिन जो कॉलीफ्लावर ही आपका मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन पाया जाता है कॉलीफ्लावर के अंदर, इसका फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
देख रहे हो पैटर्न को समझ रहे इस बार के, तो इस बार के पैटर्न में आपने देखा होगा यहाँ से इस बार प्रोटेक्शन के अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पुटअप हुए हैं। इस बार का जो पैटर्न आया था एयू जोधपुर की तरफ से पीजी का, उसके अंदर आपको देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आया। यहाँ से एक और क्वेश्चन आया प्रोटेक्शन से ही आपका कि फैन लीफ डिजीज होती है ग्रेप में, वो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है, तो सबको पता है जिफिनीमा इंडेक्स जो होता है उससे क्या होती है डिजीज ट्रांसमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इन द ऑर्डर, ये आपसे कल मेन एग्रीकल्चर वाले में भी क्वेश्चन आया था, वहां पे पेट्रोल का था, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो डीजल वाला का पूछा गया है, तो इसका आपको जो रेशियो रहेगा 14:1 एंड 20:1 थर्ड वाला इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए फिर से मैंने कहा था आपको इस बार आपका जो पैटर्न 2023 में जो फॉलो किए है इसमें से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार फिर से यहाँ पे प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आया कि स्लो डिक्लाइन जो सिट्रस के अंदर होता है वो मेनली किससे होता है, निमेटोड से, फंगस से, वायरस से या इंसेक्ट से, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका निमेटोड। निमेटोड के थ्रू जो सिट्रस के अंदर है वो स्लो डिक्लाइन होता है, क्विक डिक्लाइन नहीं पूछा गया था यहाँ पे, स्लो डिक्लाइन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, माइनर बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आया था कि देखो सबको पता है कि जीजीफस मोरिसियाना है इज अ सुटेबल रेयरिंग ऑफ लेक इंसेक्ट, लेकिन यहाँ पे मोरिसियाना ना देखे इन्होंने चार अलग स्पीसीज दे दी थी। तो देखिए दो जीजीफस जाइलोपायरस है, ये जो स्पीसीज है ये एमपी में मोस्टली यूज में आती है आपकी लेक प्रोडक्शन, लाख का जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर, तो इसका जो आंसर जाएगा वो थर्ड वाला जाएगा जीजीफस जाइलोपोरस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ से आपको ब्रीडिंग से वापस से क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्वार्पिंग इन फ्लाइंग ड्रैगन, एक ड्वार्पिंग रूट स्टॉक इज गवर्न बाई, इसका रूट स्टॉक होता है फ्लाइंग ड्रैगन, वो ड्वार्पिंग मैकेनिज्म का होता है, तो उसमें जो ड्वार्पिंग जो होती है वो किसके थ्रू गवर्न होती है, आपके पास में था सिंगल रिसेसिव, सिंगल डोमिनेंट, ओलिगो या पॉलीजीन, तो सिंगल करेक्टर था तो सिंगल डोमिनेंट जीन इसका आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच सिस्टम इज नॉट फाउंड इन निमेटोड, इसमें से कौन सा सिस्टम है वो निमेटोड नहीं पाया जाता, तो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो निमेटोड के अंदर अब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता, तो इजी सा क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका इंजीनियरिंग से आया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज इंप्लीमेंट बेनिफिशियल फॉर कंजर्विंग सोइल मॉइस्चर इन मानसून सीजन, की मानसून के अंदर कौन सा इंप्लीमेंट है वो आपका सोइल कंजर्वेशन की मॉइस्चर, जो सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है उसके लिए बेनिफिशियल होता है। एमबी प्लाउ था, इंडिजिनस प्लाउ था और डिस्क प्लाउ था और चेजल प्लाउ था, तो आपका जो जाएगा इंडिजिनस प्लाउ है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। निशांत गुड इवनिंग, पुष्पेंद्र सर थैंक यू सो मच। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड इन फ्लावर्स एंड फोलियज आर ड्राइड इन स्पेसिमेन चेंबर ऑफ ड्रायर एट टेम्परेचर, देखो अगर आप पढ़ा होगा ध्यान से तो फ्रीजिंग ड्रायर ये एक प्रकार का फ्लावर को ड्राइंग करने के मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे होते हैं ओवन ड्राइंग, लेकिन जो लेटेस्ट के अंदर ड्राइंग करते हैं वो अपन करते हैं फ्रीजिंग ड्राइंग से, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो स्पेसिमेन चेंबर के लिए पूछा है टेम्परेचर, तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो -20 डिग्री रहेगा, ऐसे अपन अगर बुक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो आप -10 भी बहुत जगह पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो अपन बात करते हैं स्पेसिफिक कि स्पेसिमेन ट्राइप स्पेसिमेन चेंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, रेशियो पूछा गया था आउटपुट टू इनपुट, तो उसका APP प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन या टेक्निकल एफिशिएंसी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो थर्ड वाला है, टेक्निकल एफिशिएंसी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन क्रॉस पोलिनेशन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा नोट, और बहुत सारे बच्चों ने ये गलत हुआ होगा, उन्होंने क्वेश्चन इतना पढ़ा है केवल ओपन क्रॉस पोलिनेशन, केवल कितना पढ़ा है ओपन, और जैसे ओपन क्रॉस पोलिनेशन पढ़ा उनका दिमाग गया ओकरा पे, और लगभग जितने बच्चे थे मैक्सिमम ने ओकरा करके आ गए, लेकिन मैंने बार बार आपको बोला है क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ो, जहाँ पे नोट लिखा है उसको पहले देखो, पहले अंडरलाइन करके भेजा था उन्होंने लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उनका, तो देखिए लिमा बीन, ओकरा, ब्रॉड बीन, ये तीनों ही ओपन क्रॉस होते हैं, लेकिन
जो लेट्यूज होता है वो हाईली सेल पॉइंट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपने ब्रीडिंग वाले, आपके विशाल सर ने पढ़ाया होगा कि इसके अंदर चेजमोगेमी पाई जाती है, तो ये आपका हाईली सेल पॉलिनेटेड क्रॉप होती है लेट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल पुटअप किया गया था कि ए सैंपल ऑफ मॉइस्ट सॉइल हैविंग ए वेट मास ऑफ 1 kg एंड वॉल्यूम 0.664 लीटर, ब्रैकेट में दे रखा है 6.4 × 10⁴ m³ वाज ड्राइड इन द ओवन एंड फाउंड टू हैवी ए ड्राई मास 0.8 kg, एज्यूमिंग द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डेंसिटी फॉर ए मिनरल सॉइल 2650 kg·⁻³, यहाँ पे कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी, आपको बीडी यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 1250 किलोमीटर, इसमें माइनस में क्यूब पहले वाला इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिग टाइप ग्रुप प्रोडक्शन आपसे पूछा गया था, ब्रेबा क्रॉप होती है, ये कौन से टाइप के फिग से प्रोड्यूस होती है, इसमें था कॉमन फिग, सेमारा फिग, सन पेड्रो फिग या कैप्री फिग, तो सन पेड्रो फिग के द्वारा मोस्टली जो ये क्रॉप है वो प्रोडक्शन की जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि एक्सेलेंस सेंटर पूछा गया था डेट पाम का, कि कहाँ पे एक्सेलेंस सेंटर है आपका, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर, लेकिन आपका जो राइट आंसर जाएगा वो सागरा बोझ का कहाँ है, जैसलमेर में इसका एक्सेलेंस सेंटर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका ब्रीडिंग से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वापिस से आ गया, नॉट करेक्ट अबाउट स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, देर आर फ्रीक्वेंट रेसिप्रोकल डिफरेंस, स्टिग्मा सरफेस इन प्लमोज, होमोजाइगोट फॉर ए एस एलील एंड ए नॉर्मल पार्ट ऑफ सिस्टम एंड इनकम्पेबिलिटी ग्रुप में कंटेन टू जीनोटाइप, इसका राइट आंसर आपका रहेगा स्टिग्मा सरफेस इज प्लमोज, ये प्लूमोज वाला है स्टिग्मा सरफेस, ये आपका सेकंड वाला इसका राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन में नोट पूछा है लेकिन आंसर में आपका राइट रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक टोंगिया सिस्टम, फार्मर लोकल पीपुल्स आर परमिटेड राइज क्रॉप यहाँ पे लग रही है एग्रीकल्चर की अलोंग विथ ट्री स्पीसीज, केवल दो ही क्रॉपें दी गई है आपको, पहला आपको दिया गया है क्रॉप एग्रीकल्चर क्रॉप है उसके साथ में ट्री स्पीसीज लगा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर हो गया यहाँ से और यहाँ से आपका सिल्वी कल्चरल हो गया, तो एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम यहाँ पे टोंगिया सिस्टम के अंदर अडॉप्ट हो रहा है, तो 44 का ये आपके जो सीरीज में जो ये क्वेश्चन रहेगा उसका जो आंसर जाएगा एग्री सिल्वी कल्चर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच इंसेक्टिसाइड इज नॉट ड्राइड फ्रॉम बेंजाइल फिनाइल यूरिया, देखो फिर से यहाँ पे नोट आ गया और इसका आंसर जाएगा वो कारपेट हाइड्रोक्लोराइड, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रॉप इज ग्रोन एज ट्रेप क्रॉप इन टोमेटो मैनेजमेंट हेवली कवर पा आर्मीजेरा, और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो बोरर होता है उसका जो अपन ट्रेप क्रॉप करते हैं उसके लिए कौन सी क्रॉप लगती है, तो आपको पता है मेरीगोल्ड सबसे बेनिफिशियल क्रॉप होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे मेरीगोल्ड, अफ्रीकन मेरीगोल्ड डाला गया है, तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल इज हाइड्रोलाइसिस ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें था इसका जो राइट आंसर आपको जाएगा वो रहेगा आपका गिबिसाइट, जिप्साइट इसका है वो बिल्कुल राइट आंसर है, फोर्थ वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये ब्रीडिंग से क्वेश्चन पुटअप हुआ है आपको कि नियर आइसोजेनिक लाइन आर यूजुअली डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड, एसएसडी, बेक्रॉस, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग या पेडिग्री, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बेक्रॉस के थ्रू आप आइसोजेनिक लाइन डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको कि कौन सी बीन होती है वो क्रॉस पोलिनेटेड होती है, तो मैंने आपको फ्रेंच बीन की जो स्पीसीज है कॉक्सिनिया फेजेलस कॉक्सिनिया ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होती है, ये फ्रेंच बीन की ही एक स्पीसीज होती है, ये जो आपकी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। ये फिर से आपका फ्रूट में से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा पेयर आपका मैच नहीं कर रहा, पहला था चेरी ऑफ डेजर्ट, कार्डिया मिक्सा लसोड़ा जो बोलता है, ग्रेप ऑफ डेजर्ट, साल्वाडेरा ओलिडिस, और था क्रिस्टियन थोन कैपेरिस डेजिडुरा, तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो यही रहेगा क्रिस्टियन थोन
वो आपका कैपेरिस डेसिडुला, ये आपका आंसर इसमें सही माना जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे पहले एक बार आप लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो को भी लाइक करके जाइए अगर आपको अच्छा लग रहा है। देखिए हम सॉल्व करवा रहे हैं, पूरी फैकल्टी पूरी टीम एक मेहनत करके आई है, तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और भी बच्चों को ये लाभ मिल सके, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं अपन कि एल्बेगो इज द रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टुवर्ड्स शॉर्ट वैल्यू रेडिएशन द वैल्यू ऑफ एल्बेडो फॉर द बेयर सॉइल। देखो इसके अंदर आपको थोड़ा सा हो सकता है जब आंसर की आए तो बहुत सारे इसके अंदर मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 17 दिया गया है बुकों के अंदर, क्योंकि 24 के बाद में वो सॉइल वैसे भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगी, लेकिन इसका जो अकॉर्डिंग टू अपन देखें जो सती सर वगैरह ने जिन्होंने बताया है कि 10-13 हो सकता है इसके अंदर फर्स्ट में और सेकंड के अंदर, कोई सा भी आप ऑप्शन मान सकते हैं। तो अभी अपने अकॉर्डिंग अपन मान रहे हैं 10-30 आपका परसेंट। देखिए जो भी डाउटफुल भी हो रहा है उसमें भी हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे, जो भी डाउटफुल रह रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन आपसे डिलीट होते हैं, ऐसा हर एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पहले बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको अगर रेट लगानी है तो आप आराम से उसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रूट स्टॉक यूज करना है आपको किन्नों के लिए, वो मोस्टली कौन सा होता है, ट्रायर सिट्रॉन्स 1.8:1.8 मीटर स्क्वायर के ऊपर अपन प्लांटिंग करते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डबल सिग्मोइड डीएनए, में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो एक बॉन्ड क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शॉर्ट टर्म लोन गारंटेड पीरियड पूछा गया था आपको कितना होता है, अप टू 1.5 ईयर, अप टू 5 ईयर, अप टू 5-10 ईयर या मोर देन 10, तो इसका था 6-18 मंथ में बात करें तो, लेकिन यहाँ पे ईयर में आया था, तो जो पहला आंसर वो आपका सही माना जाएगा अप टू 1.5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनाना बंचिट ऑफ वायरस किससे ट्रांसमिटेड होता है, आपके पास में ऑप्शन था, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका पेंटालोनियन नाइग्रोवोसा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल अवेलेबल पोटास इन द सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इन इंडिया, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सेकेंड वाला है, 1 CaNH4 और pH है इसका 7, तो इसका सेकेंड वाला है वो बिल्कुल राइट आंसर। और सतीश सर के ये आपने जब न्यूट्रिएंट पढ़ाए थे तो ये बिल्कुल ये आपको लाइन नोट्स में भी मिल जाएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नोट्स के अंदर हूबहू उठ के आए हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि द प्रोसेस रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल हीट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो इज कॉल्ड। देखिए तो इसके अंदर जो क्वेश्चन जाएगा ये दो तो आपको पहले यहाँ पर आपको एक्सक्लूड कर देना है, ड्राइंग नेचुरल होता है तो डिहाइड्रेशन इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो आपका है लेक होमोलोगोबिन, ये फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि टी टॉक्सिन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो इसका पहला ही आपका हेलमेंथियोस्पोरियम माइडीज, ये आपका पहला ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सी वेजिटेबल है जो सबसे पहले आपका सिक्वेंस्ड जीनोम सिक्वेंस उसका किया गया था, तो याद रखिएगा कुकुम्बर को 2008 के अंदर सीक्वेंस कर लिया गया था, कुकुम्बर इज द फर्स्ट सीक्वेंस वेजिटेबल जिसके अगर जीनोम की अपन बात करें तो इसका होता है 367 Mbps। चलिए नेक्स्ट की अगर अपन बात करें कि हु हैज एक्सपेरिमेंटली प्रोवाइडेड डीएनए इन जेनेटिक मटेरियल, तो इसका पहला ही जाएगा हर्शले एंड चेज, इसका राइट आंसर है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन, ये मिनिमम पूछा गया है, जैसे मिनिमम आता है चिल्ली और ब्रिंजल यहाँ पे हो जाएंगे, ओफन क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, आई यहाँ पे फ्रेंच बीन और गार्डन पी में से गार्डन पी की सबसे कम आपके आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं।
नेक्स्ट है कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आइसोलेटेड विथ, इसमें से क्वेश्चन में से आपको आया था हेवले क्लार्क किनेस एंड जे बी सेज, तो इसके अंदर आंसर जाएगा वो जाएगा आपका जे एम किनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑयल पाम में से पाम ऑयल है वो कहाँ से जनरली एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मीजोकार्प में से मोस्टली अपन पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगला आपका इकोनॉमिक्स से था, ग्रो अप सोविंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड डेट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी इज कॉल्ड, इसमें से आपको चार ऑप्शन मिले थे, इसमें से जो इंडिफरेंस कर्व था वो आपका बिल्कुल सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर माना गया था। ये आपका ओनला की वैरायटी पूछी गई थी थार सेविका, तो थार सेविका क्रॉस होता है कि सब कहते हैं तो सब क्लस का था, इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका। नेक्स्ट था साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमनली ग्रोन लेमन ग्रास इन ट्रॉपिक्स, तो लेमन ग्रास का पूछा गया था, तो रोजा डेमेशियाना भी नहीं होता है, विंका रोजा भी नहीं होता है, एंथ्रोनियम भी नहीं होता है, तो साइमोपोगन फ्लेक्सस बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि कूल सीजन जहाँ पे होता है वहाँ पे अगर अपन ट्रप या ग्रास लगाते हैं तो उसके अंदर कौन सी ग्रास लगती है, तो वहाँ पे एग्रोस्टिस प्लूरेटिस है वो ग्रास अपन मोस्टली यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन था और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट ए सीड प्रोडक्शन प्लॉट में से, अगर आप कौन से प्लांट ऑफ टाइप को हटा रहे हैं तो उसको रोगिंग बोलते हैं, कहाँ पे ये रहा थर्ड वाला रोगिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोज की वैरायटी पूछी गई थी जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के थ्रू डेवलप है, देखिए इसमें से म्यूटेशन से ही है, पूछा कृष्ण म्यूटेशन है सुकुमारी म्यूटेशन है, लेकिन ये इंड्यूस म्यूटेशन है जो कृष्ण है, जो ये जो सुकुमारी है ये गामा रेडिएशन के थ्रू होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो ये सुकुमारी इसका राइट आंसर जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग ए चॉइस इज, यहाँ पे आप क्वेश्चन आया था प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ चॉइस, तो इसका आंसर आपका बजटिंग मार्केटिंग मींस फाइनेंस मैनेजमेंट या डिस्कशन मेकिंग, तो इसका आंसर जाएगा डिस्कशन मेकिंग। अगला मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, व्हेन द हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द कॉमर्शियल चेक ओवर और F1 चेक अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई चेक इट नॉन एज, तो ये आंसर जाएगा स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, सेकेंड वाला इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन है वो जेनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हम वेजिटेबल्स जेनेटिक्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम इरविनिया इनटू द पोटैटो प्रोड्यूस फॉर बीटा कैरोटीन, तो इसमें से तीन जीन होते हैं लेकिन आपको दिया गया था फाइटोनिन डेस्टरस CRTI, ये आपका राइट आंसर जाएगा, सेकेंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन था अमंग द फॉलोइंग विच इन सीटू ग्राफ्टिंग, ये अपन नोट्स के अंदर बिल्कुल मैंने लिखवा रखा है इन सीटू ग्राफ्टिंग का, तो इन सीटू ग्राफ्टिंग अपन बोलते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को इन सीटू ग्राफ्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपने को जो रूट स्टॉक है वो ग्राउंड में ही डेवलपमेंट करना होता है। आपके नोट्सों को देखोगे तो वहाँ पे एकदम लाइन से क्वेश्चन उठ के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, आपको सैम्पलिंग मेथड पूछे गए थे कन्वेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्लस्टर सैंपलिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए मैच्योर वेजिटेबल और इट्स पीसेस इम्प्रिगेटेड विथ हेवी सुगर सिरप टिल इट बिकम टेंडर एंड ट्रांसपेरेंट इज नॉन एज, देखो कैंडी में तो अपन क्या करते हैं पूरा ड्राई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आया है इम्पोर्टेंट क्या करते हैं टेंडर एंड ट्रांसपेरेंट, तो इसका प्रिजर्व या मुरब्बा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रिजर्व या मुरब्बा इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि स्वार्ड लिली अपन किसको बोलते हैं, तो मैंने नोट्स में आपने देखा होगा बिल्कुल लिखवा रखा है वहाँ पे जो ग्लेडुलस को है उसको अपन क्या बोलते हैं स्वार्ड लिली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए का, एम्प्लीफिकेशन कौन सा एंजाइम के थ्रू होता है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस या टोपो आइसोमेरेज, तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीडलेसनेस इन पोमग्रेनेट में सीडलेसनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, पार्थेनोकार्पी, एम्ब्रियो एबॉर्ट, प्रेजेंस ऑफ गट सेल या लेक ऑफ लिग्निफिकेशन, तो इसका जो आंसर जाएगा वो रहेगा आपका लेक ऑफ लिग्निफिकेशन। नेक्स्ट है
कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर है वो किसने बनाया था, तो ये अपन नोट्स के अंदर अपन देखेंगे। तो पद्म भूषण मिला हुआ है सर नेकचंद सैनी जी सर को, इन्होंने जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है वो बनाया था, बाकी कोई भी रिलेटेड नहीं है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया था। प्रोसेस थ्रू विच द कट स्टेम इज मेड एंड रिगेन ट्रिगरिटी को आपको रिगेन करना है, उसके लिए कौन सा अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, पल्सिंग, होल्डिंग, कंडीशनिंग या विंटरिंग, तो इसके अंदर कंडीशनिंग वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच वन इज करेक्टली मेस बायोएक्टिव कंपाउंड एंड फ्रूट क्रॉप, कि इसमें से कौन से कंपाउंड कौन सी क्रॉप के अंदर पाया जाता है, तो जो रेसवेट्रोल है वो ग्रेप के अंदर आपका पाया जाता है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि द मास ऑफ वाटर वेपर 20 ग्राम इन ए 1 केजी ऑफ सैंपल एयर 825 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ मैक्सिमम वाटर वेपर द गिवन सैंपल कैन हेल्ड एट सेम टेम्परेचर इज 35 ग्राम, कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द मिक्सिंग रेशियो, तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन में था आपका 70%, 50%, 20% और 35, तो इसमें रहेगा आपका 50% एंड 20 ग्राम पर केजी, सेकेंड वाला आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आपके नोट्सों में पढ़ा होगा, मैंने आपको बोला था ये जरूर लिखा हुआ आएगा आपको फील्ड हीट को रिमूव करना, और यही क्वेश्चन बना है, रिमूव द फील्ड हीट कूलिंग, एयर फोर्स कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग या प्री कूलिंग, तो इसका आंसर जाएगा प्री कूलिंग, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया था विच एमंग द फॉलोइंग इज मॉर्फोलॉजिकल मार्कर पूछा गया था ओनियन का, आइडेंटिफाई मेल स्टेटी प्लांट एट अर्ली स्टेज, तो इसके अंदर ब्राउन सीड कोट कलर ये अपन मोस्टली अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस बाय ओमाइसेटा, इसके अंदर जू स्पोर, जाइगो स्पोर, ओ स्पोर या बेसिडियोमाइसिटिस, तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जाइगो स्पोर, इसका बिल्कुल राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजाइटिन नाइट्रेट PAN इज प्रेजेंट इन एटमोस्फियर कैन कोज स्मार्टनिंग आईज एंड लंग डिजीज एंड दस इज कंसिडर एज पोल्यूटेंट विच इज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीडेज एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट हाइड्रोकार्बन ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो इसके अंदर बोथ ए एंड थर्ड, इसका सेकेंड और थर्ड दोनों ही इसके अंदर क्या है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन नोन ए गार्डन प्योर क्लियर हारमोनी एंड पेस, देखो इसके अंदर कहीं पे मुगल और जापानी कहीं कहीं बुक्स में दोनों ही मेंशन कर रखा है, लेकिन अगर अपन बात करें पीस अगर दे रखा है तो अपन जापानीज गार्डन पे जा रहे हैं अभी यहाँ पे, इसके अंदर हो सकता है कोई आपको करेक्शन आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है विच द प्लांट इंडिकेटर प्लांट ऑफ जाइलोस्पोरा डिजीज इन सिट्रस, रफ लाइम, रंगपुर लाइम, एसिड लाइम या स्वीट लाइम, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका स्वीट लाइम है, बहुत सारे बच्चे करते हैं एसिड लाइम, एसिड लाइम नहीं होता बेटा, यहाँ पे जाइलोस्पोर डिजीज है तो जाइलोस्पोर डिजीज का क्या होगा स्वीट लाइम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विशाल सर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया होगा कि साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेट इज कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड इन विच फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप, चिल्ली, ऑनियन, कॉलीफ्लावर या ब्रिंजल, तो ऑनियन के अंदर मोस्टली कौन सी मेरिस्टेली पाई जाती है आपकी साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेली पाई जाती है। नेक्स्ट है पपाया रिंग स्पॉट वायरस मेनली ट्रांसमिटेड किससे होता है, एफिड से, जसिड से, व्हाइट फ्लाइड या थ्रिप्स से, तो जो रिंग स्पॉट है वो किससे होगा यहाँ पे व्हाइट फ्लाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द टेक ऑफ ट्रूथफुल लेबल सीड, यहाँ पे ट्रूथफुल वाला पूछा गया था, इंडिया में जो मोस्टली अपन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका ओपुल ग्रीन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है फर्स्ट वाला, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट था लार्वा हेमिंग वॉल डेवलप्ड थोरेक लेग बट एब्सेंस एट एब्डोमिन लेग्स आर नोन एज, इसके ऑप्शन थे आपके प्रोटोपोड लार्वा, ओलिगोपोड लार्वा, पॉलीपोड लार्वा या वर्मीफॉर्म लार्वा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओलिगोपोड लार्वा, इसका बिल्कुल राइट आंसर सेकेंड वाला राइट आंसर माना गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था
कि कौन सी वेजिटेबल में नेगेटिव फोटोब्लास्टिक पाई जाती है, लेट्यूज में, सेलेरी में, एमरेंथस या पार्सले के अंदर। तो इसका एमरेंथस आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट था कि आपको रूट स्टॉक क्रॉप पेयर नॉट मैच बताने हैं, तो मैंने आपको मैंगो के अंदर लिखवाया था एफ जो इसराइल से इंट्रोड्यूस हुआ 13/1, तो ये थर्ड इसका राइट आंसर होगा क्योंकि एम 13/1 नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर अपन बात करें तो एफ 13/1 ये रूट स्टॉक होता है जो साल्ट रेजिस्टेंट होता है और ये इसराइल से इंट्रोड्यूस है, तो यहाँ पे एम नहीं आता। अगर एफ आता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे एम आया तो ये गलत है, आपका आंसर यही सही माना जाएगा क्योंकि नोट पूछा है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था कि कौन सी मोस्टली कल्टिवेटेड है, टेगेटस पेटुला और टेगेटस इरेक्टा। तो इंडिया के अंदर मोस्टली दोनों ही अपन ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है कि कैरेट कैन एक्यूमुलेट सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ एंथोसाइनिन इन रूट पेटियोल एंड लीफ टिश्यू, मोस्ट ऑफ विच इज कंपोस्ट ऑफ। इसके अंदर आपके ऑप्शन थे साइनिडिन, ग्लाइकोसाइड, बेटानिन, एडेनिन, बिटामिक एसिड या साइक्लोडोपिक एसिड। तो इसके अंदर अपन ने माना है बिटालिन एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्किड इज मोनोपोडियल एंड एपीफाइट। ये मैंने आपको लिखवा रखे हैं नोट्स में, आप पढ़ोगे तो इसका जो आंसर जाएगा वो रहेगा आपका बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, फेलेनियोपसिस और वेंडा, दोनों के दोनों आपके कौन से होते हैं, मोनोपोडियल होते हैं। अगर अपन लास्ट में बात करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से आपका कि कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड एयर लेयरिंग के थ्रू किसको करते हैं, तो लीची को, ये आपको अच्छे से पता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच ड्राई चिल्ली कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश राइप डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटीज। आपको फ्रेश 100 अगर आपके पास में वेजिटेबल है तो उससे आप कितनी ड्राई चिल्ली प्रोड्यूस हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो रहेगा आपका 25-40 kg आपकी जो चिल्ली है, रेड चिल्ली पाउडर है, वो आपको मिलेगा ड्राई चिल्ली। ठीक है, तो इसके अंदर हो सकता है एक दो क्वेश्चन के अंदर डाउटफुल हो, मैंने अपनी तरीके से हो सकता है। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हो। अगर किसी को हो सकता है कि अगर किसी को सोर्स चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, तो वो आपको कमेंट करके बता दीजिए या आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको उन जितने भी आपके नोट्स है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउटफुल हो तो उसका आपको ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, या जैसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको पता करना है तब भी आप कर सकते हो। तो अपने प्री पीजी के फिर से जो नए बैच से एक बार फिर से आगाज होने जा रहा है, न्यू 1 तारीख से आपके 1 जून से आपके नए बैच शुरू है। तो जो भी सीनियर देख रहे हैं अपने जूनियरों को अच्छी सलाह दीजिए। डॉक्टर ग्रीन आपको पता है एक ट्रस्टेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप अपने जूनियर को, अपने अगर कोई छोटा भाई है उस सभी को आप भेज सकते हो कोचिंग के लिए। और अपने सुपरवाइजर के भी बैच शुरू है जिसको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तैयारी करवाई जाएगी, आपको अनाउंसमेंट जल्दी नए करवा दिए जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बस लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो को। थैंक यू।